उंगलियों से छू कर देखा और इसी जगह मैंने मौत की ठंडक को अपने जिस्म में उतरते हुए महसूस किया। उस रात कॉलेज के लड़के लड़कियों का एक ग्रुप यहाँ पिकनिक मनाने आया हुआ था। उस वक्त यहाँ जो कुछ भी हो रहा था मुझे नहीं मालूम था कि उसके छींटे कुछ देर बाद मेरी जिंदगी पर भी पड़ेंगे। कोई मुझसे मिलने आया क्या? कोई नहीं साहब। इंस्पेक्टर साहब, जंगल में कुछ हादसा हुआ है क्या? यू आर राइट प्रोफेसर साहब, अजीब सा हादसा हुआ है। पुलिस की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब आप ही कुछ मदद कर सकते हैं। ये उस लड़की का बॉयफ्रेंड है सर। उसके दाएं कंधे की हड्डी टूट चुकी है। उसे भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड ने कैसे जानवरों की तरह उस पर अचानक हमला कर दिया। वो लड़की कहां है? डॉक्टर अभी उसके पास किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, पर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं उसे। आप जैसे दिमाग का एक मामूली सा बुखार समझ रहे ना, दरअसल एक बहुत बड़ी बीमारी है जो सदियों से इंसान का पीछा कर रही है। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ इंसानों का इलाज करना चाहते हैं, बिगड़ी हुई आत्माओं का नहीं। और ये एक बिगड़ी हुई आत्मा है। पर आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे,
मुझे यकीन करना आपके पेशे को सूट नहीं करता। असली बात तुम्हारे ऊपर नहीं, उस लड़के के ऊपर हुआ है। वक्त बहुत कम है, उसका शरीर उस आत्मा को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फट जाएगा। बचाना चाहते उसे कहूंगा तेजम, कहूंगा तेजम। मैं वहां था जब मुझे उसकी चीख सुनाई थी, मैं दौड़ते हुए यहां तक पहुंचा। वो वहां सामने खड़ी थी एकदम शांत। उसके करीब जाते वक्त तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो लगा कि वो शरारत करके मुझे अपने पास बुलाना चाहती थी। इसके अलावा कुदरत का कोई इशारा, हवा का कोई तेज झोंका जो तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो? नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे कोई तुम्हें हाथ पकड़ कर कहीं ले जा रहा हो और तुम्हारा अपने ऊपर कोई वश हो? नहीं। उसके पास जाने पर तुम्हें उसके चेहरे में किसी दूसरे का चेहरा नजर आया? नहीं। उसकी आंखों में तुम्हें प्यार की जगह कोई वशन नजर आई? नहीं, नहीं। दरअसल सब कुछ इतने जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे तो लगा, अरे हाँ, लेकिन जितने जोर से उसने मुझे धक्का दिया था ना, उसे तो इससे तो यह लगता है कि यह काम किसी इंसान का नहीं, यकीनन किसी बुरी आत्मा का काम है। यह आत्मा ऐसी जगह से अपनी शक्ति हासिल करती है जहां पर कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्घटना हो चुकी हो, और इस जगह भी कुछ वैसी है जहां पर कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई हादसा हो चुका है। तुम लोगों ने इस जगह पर आकर सोई हुई आत्मा को जगा दिया। हेलो, मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोल। रोहित, निशा डिड मेक इट मैन, वो हमें छोड़ के चली गई। शी डाइड मैन, शी डाइड। अभी तो शुरुआत है। मतलब कि इसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। अगर ये सचमुच कोई आत्मा है तो क्या इसे रोका नहीं जा सकता? यहाँ पे क्या हुआ था, ये किसकी आत्मा है, ये क्या चाहती है, ये अभी तक एक रास है, एक रास जो यही कहीं छिपा हुआ है। और जब तक इस रास के बारे में पता ना चल जाए तब तक इसे रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि ये पिछले एक बार फिर गिरेगी, पता नहीं किसमें और कहां। संजना, क्या बदतमीजी है ये? क्या मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता हूं? पालतू तो तुमने मुझे बना दिया आदित्य। ऐसा लगता है तुम मुझे शादी करके नहीं, मुझे खरीद के लाए हो। पिछले 3 घंटों से अकेले एक कोने में बैठे बैठे मैं तुम्हारी एक नजर का इंतजार कर रही हूं, मगर तुम्हें अपनी पार्टी की मौज मस्ती से फुर्सत नहीं। बिहेव योरसेल्फ। क्या तुम्हें पता नहीं ये बिजनेस पार्टी है? ये लोग हांगकांग से डेलीगेशन लेके आए हैं, डू यू अंडरस्टैंड? सो प्लीज मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि तुम्हारी बकवास सुनने के साथ साथ मुझे बिजनेस भी चलाना है। तो ठीक है, तुम बिजनेस चलाओ, घर चले ना चले। संजना,
मेरी समझ में ये नहीं आता है कि वो लड़की पार्टी छोड़कर गई कहां और उसे इस तरह अकेले जाने की जरूरत क्या थी। आदित्य बात क्या है? मिस्टर आदित्य धनराज, इट्स ए मिरेकल, वरना इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद मरीज को एक खरोच तक नहीं आया, इसे आप चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। पर अगली बार आप उन्हें सावधान रहने को कहिएगा, इतनी ज्यादा नींद की गोलियां खाने के बाद उन्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए। देखिए मिस्टर आदित्य, इस वक्त उन्हें आपकी केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो अच्छा हुआ ऊपर वाले ने उन्हें बचा लिया, वरना आज तो आपने उन्हें खो ही दिया था। इतनी बड़ी सजा दे रही थी मुझे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे हम? दिन रात जानवरों की तरह लड़ते लड़ते थक गई हूं मैं। अब हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए आदित्य। Let's get divorced। ऐसा मत कहो संजना। I'm really sorry. प्लीज forgive me फॉर everything। कोई फायदा नहीं है, अब तुम वो पहले वाले आदित्य नहीं रहे। तुम वो आदमी नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। एक साल के अंदर तुम कितने बदल गए हो आदित्य। क्या हो, क्या क्या है तुमको? और अब हमारे बीच में फासले। मैं सारे फासले कम कर दूंगा। प्लीज Give me one more chance. बस एक मौका चाहिए मुझे। चलो कुछ दिन के लिए यहां से दूर चलते हैं, कोई ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम हो और मैं। No work, no calls, nothing. और तुम्हारा वो हांगकांग का डेलीगेशन? I don't care. वो लोग इंतजार कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। बोलो कहां जाना चाहती हो तुम? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, होनोलुलु, मायामी, एनीवेयर। मैं तुम्हें इतनी दूर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी और तुम्हारे अलावा हमें पहचानने वाली कोई आवाज ना हो। ऊटी, मैं अब उसी तरह सब कुछ वहीं से शुरू करना चाहती हूँ जहाँ हम पहले मिले थे, जहाँ से हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी।
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं चेंज कर लेती हूँ। की आवाज में, वो बहुत तकलीफ में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए आदित्य। संजना, कोई होगा तो तुम उसकी मदद करोगी ना? कोई नहीं है वहां। मैंने एक बार नहीं, बार बार उसकी चीख सुनी है। तुम चाहो तो मुझे पागल समझ सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये उतना ही सच है जितना मेरे सामने खड़े हुए तुम सच हो। अगर ये सच है तो मैंने उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी? मुझे क्यों नहीं महसूस हुई उसकी तकलीफ?
तुम्हें तो किसी की तकलीफ का एहसास होना बहुत पहले ही बंद हो गया आदित्य। संजना, सारी तकलीफ की जड़ी है ये नीम की गोलियां खा के, ना तुम सोती हो ना जागती हो, कुछ भी बोलती हो कुछ भी सुनती हो। इनके बिना मुझे नींद नहीं आती आदित्य। तो ना है नींद, मैं जागूंगा तुम्हारे साथ, जी भर के बातें करेंगे हम, पूरी रात तुम्हारा हाथ अपने हाथों में थाम के बैठूंगा मैं। जब तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था तब तुम मुझसे दूर भागते रहते थे आदित्य। उस वक्त जब मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी थी तब तुम हमेशा खामोश रहे और मैं अपनी तकलीफ में अकेली घुटती रही, मैं जागती रही और तुम सोते रहे। अगर उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामा होता तो आज मुझे इन गोलियों की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। आज बिना खबर किए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पार्क चेन ऑफ होटल्स अपने इस छोटे से होटल में खुद आए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूं या फिर इंस्पेक्शन एमडी साहब? एमडी नहीं, दोस्त आया है, दोस्त से मिलने। वैसे आपके पतिदेव है कहाँ? किसी की नजर लग गई है तुम दोनों के प्यार को, वरना जिन दोनों का प्यार पूरी ऊटी के लिए एक मिसाल था, उन लोगों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम। तुमसे दूर रह के जिसकी आंखों की नींद उड़ जाया करती थी, उसे तुम्हारे पास होते हुए भी नींद की गोलियां खानी पड़े, यकीन नहीं होता। संजना काफी समझदार है, कहिए तुमसे I mean... चलो यूं समझ लो मैं ही समझदार नहीं हूं, जो कुछ हुआ उसमें सारा कसूर मेरा है, पर अब मैं अपने प्यार को फिर से मिसाल बनाना चाहता हूं और इसमें तुम दोनों की मदद चाहिए। अरे तू फिक्र मत कर यार, ये शादी हम दोनों ने अपने हाथों से कराई है, अरे कन्यादान तक खुद किया है। नाउ लिसन, जस्ट फॉरगेट इट, अब से ये प्रॉब्लम हम दोनों की प्रॉब्लम है। अब तू देख कैसे हम दोनों मियां बीवी इसको सॉल्व करते हैं। तू ये बता कि वो है कहां? Thank you.
तुम? वो होटल में बोला साहब मेम साहब आ गए हैं, बोले जाओ जाके घर की सफाई करो। रॉबर्ट क्यों नहीं आया? कल शाम से उसका इंतजार कर रहे थे। जाया कहाँ वो? ये तो उसकी घरवाली भी नहीं जानती मेम साहब, 8 महीने से लापता है। 8 महीने से? जी हाँ मेम साहब, पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई, पता नहीं क्या हुआ उसको, किधर चला गया। उसकी घरवाली बहुत तकलीफ में है मेम साहब। तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है? वो धीरे धीरे बदलने लगा, अजीब अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी थी उसने। जो रॉबर्ट दिन रात जानवरों की तरह बंगले में काम किया करता था, उसने अचानक बंगले के नाम तक से डरना शुरू कर दिया था। हर रोज वो किसी ना किसी बहाने मुझे काम पर भेज दिया करता था, और एक दिन अचानक वो गायब हो गया। तुमने आदित्य साहब को फोन करके क्यों नहीं बताया? मैंने बताया था मेम साहब, मैंने डाकखाने से उनके मोबाइल पर फोन किया था। मैंने साहब को ये भी बताया था कि गायब होने से पहले उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। पूरा पूरा दिन वो कानों पर हाथ रखकर पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता था। आधी रात को मुझे नींद से उठाकर कहता था कि बाहर जाकर अगर मैंने वो आवाजें बंद नहीं करवाई तो मुझे छोड़कर चला जाएगा, पर मुझे किसी तरह की आवाजें सुनाई देती तो बंद करवाती। वो तो सिर्फ रॉबर्ट को ही सुनाई देती थी। किस किस्म की आवाजें थी वो? किसी के दर्द में चीखने की आवाजें, हाँ, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, जिस्म है कि जल जाने को बेताब है। ये लीजिए, मछलियां निकल जाती हैं, जूते अटक जाते हैं, प्यार में राही कभी यूं भी अटक जाते हैं। आदाबर से, आदाबर से। शाम है, बारिश है, प्यार का मौसम है, सुन लेने दे हवा में फैले हुए संगीत को, आग है, तड़प है, बेबसी का आलम है, कह लेने दे आज कुछ पिछड़े हुए मीत को। गोली की आवाज नहीं थी, दरवाजे की आवाज थी। नहीं आदित्य, मैंने गोली की आवाज सुनी। संजना, वो गोली की आवाज नहीं थी, दरवाजे की थी। रॉबर्ट के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसे भी तो ऐसी ही आवाजें सुनाई देती थी। उसकी बीवी ने मुंबई फोन करके तुम्हें बताया भी था, फिर क्यों छुपाई मुझसे ये बात? संजना, मेरे पास सैकड़ों नौकर हैं। कौन पागल होता है, कौन गायब होता है, किसे जंगल में आवाजें सुनाई देती है, अब एक एक का हिसाब तुम्हें रख नहीं सकता ना। मैं
संजना, आई लव यू संजना। मैं थक गई हूं, अपनी शादी को बचाना चाहती है किसी भी कीमत पर। मैं भी आदित्य को मुंबई से यहाँ इसीलिए लेके आई थी कि हमारे बीच जो कुछ भी टूट रहा है वो फिर से ठीक हो जाए, पर लगता है यहाँ आने के बाद हमारे बीच के फासले कम हो जाने के बजाय और ज्यादा बढ़ने लगे हैं। संजना, कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मैं जानती हूं कि तू सच कह रही है। तूने वास्तुशास्त्र के बारे में सुना है? कभी कभी जब घर का नक्शा ठीक ना बना हो तो ये अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। हो सकता है जो तेरे साथ हो रहा हो उसका कारण भी यही हो। भाई कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे वास्तुशास्त्र पर पूरा यकीन है और मेरा कहना है कि हमें प्रोफेसर अग्निस्वरूप की राय जरूर लेनी चाहिए। प्रोफेसर अग्निस्वरूप? हाँ, उनके पास दूर तक देखने की नजर है और देखे हुए का इलाज भी।
सब ठीक है नागनी जी? दिल और दिमाग दोनों मानना चाहते हैं कि सब ठीक है, पर ये जिस्म कह रहा है कि कहीं कुछ है जो ठीक नहीं है, और जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता। जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन आप सोच के जवाब दीजिएगा। जी पूछिए। आप भूत प्रेत में यकीन करते हैं? आत्माएं अच्छी बुरी, भला चाहने वाली, सताने वाली, अपने अधूरे कामों को पूरा करने की ख्वाहिश रखने वाली, आपने कभी भटकती हुई रूहों के बारे में सुना है? जी। क्या इस बहती हुई हवा ने कभी आपके कान में आके कुछ कहने की कोशिश की है? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि चीजें आपके सामने से अचानक गायब हो जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं? कुछ, मेरा मतलब है कि कुछ अजीब अजीब सी आवाजें, एक चौंका देने वाली आहट, किसी के ना होने के बाद भी किसी के होने का एहसास। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप जीते जागते खुली आंखों से कोई भयानक सपना देख रही हैं? हाँ, आपको कैसे पता चला? इसका मतलब कोई है, कोई है जो अपने मिट जाने के बाद भी अपने वजूद का, अपने होने का एहसास दिलाना चाहता है। इसके ऊपर क्या है? कब से नहीं खुला है दरवाजा? करीब 2 साल से। फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई यहां आता जाता रहा है। सूर्य ढलने तक अगर इस नींबू का रंग नहीं बदला तो समझिए कि सब ठीक है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। दुआ कीजिए कि शाम तक नींबू का रंग लाल ना हो।
नहीं बोली आदित्य, तुम चाहो तो प्रिया से पूछ लो, हमारे घर में कोई आत्मा है आदित्य, मैंने उसे महसूस किया है। साहबजादे फोन पर क्यों नहीं आ रहे? जी जी अंकल, आदि और संजना दोनों ही बाहर गए हुए अंकल। उसे कहना कि फोन पर नहीं आना है तो मत आए, मुझे कोई शौक नहीं है उसे स्कूल के बच्चों की तरह बैठा कर लेक्चर देने का, लेकिन जो थोड़ी बहुत इज्जत इतने सालों में मैंने कमाई है ना, उसे मारा मारी और गुंडागर्दी करके मिट्टी में ना मिलाए तो बड़ी मेहरबानी होगी उसकी। जी जी अंकल। अरे क्या जी जी, तुम भी तो वहां रहकर उसे समझा नहीं सकते हो, छोटा मोटा आदमी नहीं है वो। अखबार वाले तो ऐसी खबरें ढूंढते फिरते रहते हैं, फ्रंट पेज पर न्यूज आई है उसकी। खैर, मैंने ये फोन उसकी खबरें सुनाने के लिए नहीं किया है, एक जरूरी बात करनी है उससे। जी जी मैं बोल दूंगा अंकल। जी आदि, तुझे कल बॉम्बे पहुंचना पड़ेगा। अंकल बोल रहे थे कि वो जो हांगकांग से डेलीगेशन आया है वो एट द मोस्ट एक दिन और रुक सकता है, और अगर तेरी उनके साथ मीटिंग नहीं हुई तो करोड़ों का नुकसान तो होगा ही, हमेशा के लिए रिश्ता भी टूट जाएगा। चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी मन भर गया था यहाँ पे, हम लोग दोपहर के फ्लाइट से ही वापस चले जाते हैं। ऑल राइट प्रिया, मेरा एक काम करोगी? प्रोफेसर साहब मेरी बात तो सुनिए, दरअसल संजना बहुत शर्मिंदा है, वरना वो मुझे यहां क्यों भेजती आपसे माफी मांगने के लिए? वो खुद नहीं जानती कि आदित्य को क्या हो गया था, वो खुद आपसे यहां मिलने आना चाहती थी प्रोफेसर साहब, लेकिन अचानक मुंबई से फोन आ गया और उसे आदित्य के साथ जाना पड़ा। वो कहीं नहीं जा पाएंगे जी। वो शक्ति जब तक अपने इरादे में कामयाब नहीं हो जाती, वो संजना को मुंबई तो क्या इस शहर की सीमा से भी बाहर नहीं निकल लेती। उसका पति उसे यहां से बाहर ले जाना चाहता ना, दिखा दे ले जाके। प्रोफेसर साहब वो लोग तो यहां से निकल चुके हैं। निकल चुके हैं, पहुंचे नहीं है अभी। साहब जी आगे रास्ता बंद है, 5-6 घंटा लगेगा ट्रैफिक साफ होने में। चाय कॉफी लाऊं क्या? हाँ बोलिए साहब जी। हाँ 3 चाय लाओ। अच्छा साहब जी, आगे लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ता 5-6 घंटे के लिए बंद है, कोई लॉज या रूम का बंदोबस्त करूं? अच्छा डैम। अरे अचानक बिन मौसम बरसात हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, गर्मी के मौसम में कोहरा छा जाए, ऐसे में कुदरत की ताकत के सामने मैं और तू क्या कर सकते हैं आदि बता। अरे कमाल कर रहा है तू यार, करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कल सुबह तक मैं बॉम्बे नहीं पहुंचा तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ओ कम ऑन आदि, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब यहां ऊटी से तो फ्लाइट मिलेगी नहीं, कोयंबटूर तक तो बाय रोड जाना पड़ेगा ना। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा, देयर हैज टू बी सम वे। नहीं आदि, आज तो कुछ भी नहीं हो सकता, हम अगर बैंगलोर से हेलीकॉप्टर भी मंगवाते हैं तो भी सिर्फ आर्मी की परमिशन लेने में ही एक दिन निकल जाएगा, तो अंकल को फोन कर दे वो सब संभाल लेंगे। अरे नहीं यार, मुझे फिर से उनकी बातें नहीं सुननी, अजय काम खत्म होते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। ओके और खबरदार, तुमने मेरे पीछे नींद की गोलियां खाई तो मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से भूत देखना शुरू कर दो। भूत हवा में नहीं दवा में है,
और उसे शीशी में ही बंद रहने देना, ओके? चलो जय, लेट्स गो। ओके। प्लीज संजना, डोंट बी स्टबर्न, जिद मत करो और जल्दी से अपना सामान पैक करो। मैं तुम्हें इस घर में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। प्लीज प्रिया, तुम जाओ, मैं यहाँ रह के सच का पता लगाना चाहती हूँ। कौन से सच की बात कर रही हो तुम संजना? प्रोफेसर अग्नि ने खुद तुमसे कहा है कि यहाँ कोई आत्मा है जो आसपास मंडरा रही है। तुमने खुद अपनी आंखों से नींबू के रंग को बदलते हुए देखा है, और मान लो उनकी बात सही ना भी हो तो भी तुम्हें रिस्क लेने की क्या जरूरत है संजना? जरूरत है, मैं जानना चाहती हूँ कि सचमुच कोई आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है या ये मेरा पागलपन है। मैं जानना चाहती हूँ कि जिसे मैंने दिन रात महसूस किया है क्या वो सच है या मेरी नींद की गोलियों का असर है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्रोफेसर अग्नि की बात सच है या आदित्य की। ये सब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।
ये कि कोई झंझट नहीं चाहिए मुझे, शरीफ आदमी हूं, शराफत से काम करने दो, किसी के घरेलू मामले में पड़ने का शौक नहीं है मुझे। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप मेरी बात कुछ नहीं सुनना है मुझे, चुप बिल्कुल। आप लोगों की बातों में आके फिर से मैं आपकी मदद करूंगा, इनके पति एक बार फिर से मेरे साथ हाथापाई करेंगे और इस बार मेरा भी हाथ उठ जाएगा। नहीं, बाहर जाओ यहां से, बाहर जाओ। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है प्रोफेसर साहब, मैंने उसका चेहरा देखा है, कोई औरत है। ये सब क्या चक्कर है प्रोफेसर साहब? पहले तो वो सिर्फ इसे सुनाई देती थी और अब दिखाई दे रही है, ये सब क्या हो रहा है? कहीं तुम्हारा संबंध उस हादसे के साथ तो नहीं है? किस हादसे के साथ? यह हादसा भी आपके घर के पीछे वाले जंगल में हुआ था, ठीक उसी जगह जहां से आपने चीखने और गोली चलने की आवाज सुनी थी। यह हादसा 16 मई को हुआ था और आपका एक्सीडेंट भी उसी रात हुआ था, इस घटना के तकरीबन 2 घंटे बाद। आपने ठीक होने के तुरंत बाद अपने पति से उठी आने की जिद की थी, जबकि आपके पति आपको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाने के लिए तैयार थे। मतलब जो शक्ति आपके घर में है और जिसने इस लड़की निशा की जान ली है, ये दोनों एक ही है। यानी वो मुझे भी? पता नहीं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती है। पर क्या? इस बात का फैसला उसी जगह जाकर होगा। वो जो कोई भी है, इनसे बात करना चाहती है, कुछ है जो सिर्फ इन्हें बताना चाहती है। अगर इन्हें उससे मिलना है तो इन्हें वहां के लिए जाना होगा, हम लोग यहीं रहेंगे गाड़ी में। हम यहां नहीं रहेंगे, हम भी उसके साथ जाएंगे। प्रिया, मैं वहां जाऊंगी अकेली। संजना, तुम वहां प्लीज। प्रिया,
चाहिए तुम्हें? क्या चाहती हो तुम? तुम मुझे यहां बुलाना चाहती थी, मैं यहां हूं। बोलो, बोलो। आपका अंदाजा सही निकला, यह गन यहीं से खरीदी गई थी 2 सितंबर 1988 को। उसके बाद मार्च 2000 तक हर छठे महीने इसे यहां सर्विसिंग के लिए लाया गया, लेकिन पिछले 1.5 साल से यह गन यहां नहीं आई। लेकिन यह गन है किसकी? लाइसेंस किसके नाम पर है? एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल के नाम से, लेकिन उसने यह गन अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी। उस कर्नल का नाम? कर्नल अर्जुन मलिक। पता? हेलो जी, जी मैडम एक मिनट। सर आपके लिए फोन है। Hello, Colonel Arjun Malik here. You murderer, your game is up.
What? Who the bloody hell are you? वो गन मुझे मिल गई है जिससे तुमने किसी मासूम की हत्या की थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? Colt 8mm serial SP66। यही नंबर है ना तुम्हारी गन का? तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। Do you understand? फोन नीचे मत रखना। Don't put the phone down। तुम्हारी इसी हरकत ने मेरा और मेरे पति का जीना हराम कर दिया है। तुम्हारी इस घटिया करतूत से मेरी जिंदगी की तकलीफ जुड़ी हुई है। उस तकलीफ से बचने के लिए मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा। और अगर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहूं तो ये गन मैं पुलिस को दे दूंगी और पुलिस खुद पता लगाएगी कि तुमने किसको और क्यों मारा। ठीक है, कल सुबह 11 बजे। ये गन आपको कहां और किन हालात में मिली? आपने उस लड़की को क्यों और किन हालातों में मारा? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। मैं भला उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि आप जैसे लोग ऐसा ही करते हैं। मासूम और बेबस लड़कियों को पकड़ के लाते हैं, उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और जब अपना मन बहल जाए तब उन्हें अपनी गोलियों का शिकार बना लेते हैं ताकि आप जैसे जानवर अपना गंदा चेहरा अपनी मेडल और खूबसूरत बाजी के पीछे छुपा सकें। दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता जैसा तुम कह रही हो। हाँ, वो मेरी बेटी थी लेकिन उसने बेटी होने का मुझे कोई भी सुख नहीं दिया। दिमागी रूप से बीमार थी। कई बार अस्पताल में मैंने उसे भर्ती कराया लेकिन हर बार वो भाग जाया करती थी। एक बार उसने मुझे मेरे ही कमरे में बंद किया और हमेशा के लिए भाग गई। उसके जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी रिवॉल्वर भी गायब थी। मैंने पुलिस में कंप्लेन की, अखबारों में छपवाया, हर जगह उसे ढूंढा पर मेरी तलाश उस वक्त खत्म हो गई जब तुमने मुझे टेलीफोन किया। मैं समझ गया मेरी बेटी अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। पहले तो कर्नल की लड़की गायब हो जाती है, फिर मरती है, उसके बाद उसकी रूह तुम्हें मुंबई से यहां तक बुलाती है और फिर वो गन दिखाकर तुम्हें अपना पता बताती है और तो और तुम्हें दिखाई भी देती है। Why? वो ये सब क्यों कर रही है? और इस बात का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। एक तरीका है। तुम्हें उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर चाहो तो वो तुम्हारे पास आ सकती है इस किताब के जरिए, लेकिन ये मौत से खेलने वाली बात होगी। एक, तुम्हें इस किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ के उसे अकेले में बुलाना होगा। दो, ऐसी आत्माएं बहुत जिद्दी होती हैं। वो आ तो तुम्हारी मर्जी से जाती हैं, लेकिन जाती अपनी मर्जी से हैं। और अगर उसने वापस जाने से इनकार कर दिया तो संजना की भी वही हालत होगी जो उस लड़की निशा की हुई थी। अब आप सोच लीजिए। मैंने सोच लिया है प्रोफेसर साहब, कहीं ना कहीं उसका राज मेरे राज से जुड़ा है। मैं जानना चाहती हूं आखिर वो ये खेल मेरे साथ क्यों खेल रही है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से उसने मुझे मुंबई से यहां तक बुलाया है? और जब तक मैं ये नहीं जान लेती मुझे चैन नहीं आएगा। उससे मिलके उसकी आंखों में आंखें डाल के मैं ये बात उससे पूछना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। इस किताब को पढ़ने का एक खास तरीका है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। हुँ।
शिद्दते एहसास से कम होता है। एक जरा हाथ बढ़ा दो तो छू लूं तुम्हें। अब गोलियों के साथ साथ शराब पीनी भी शुरू कर दी तुमने। नशा पड़ता है शराबे जो शराबों में मिले। आज की रात बड़ी शोख बड़ी नटखट है। आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। कितनी दूर छोड़ आए थे तुम मुझे, एकदम अकेला और बेचैन। संजना, बहुत तरसाया है तुमने मुझे, पर आज की रात तरसने की नहीं बरसने की रात है। कब से इस प्यासी जमीन पे बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, पर आज यहां तूफान आएगा। संजना, कुछ मत कहो, सिर्फ सुनो। लग जाने दे आग, जल जाने दे मुझे। बहुत देर से थी चिंगारी राख में तपी हुई। कमान आदित्य, तुम तो मासूम बच्चे की तरह घबरा रहे हो। हम लोग ऐसा पहली बार तो नहीं कर रहे। डोंट वरी, इस बार भी तुम्हारी बीवी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। What the hell are you doing here? तुम मर चुकी हो। You are dead, dead. कौन मर चुकी है? कौन मर चुकी है? क्या छुपाते आए हो आज तक मुझसे? कौन थी वो? मैं पूछती हूं, कौन थी वो? कौन थी? पिछली बार जब मैं ऊटी आया था, बहुत बारिश हो रही थी यहां, पर मुझे नहीं पता था कि तूफान बिल्कुल मेरे दरवाजे तक पहुंच जाए। मैं अपना रास्ता भूल गई हूं। आप मेरी मदद करेंगे? अंदर आइए। बाहर अच्छी खासी ठंड है। आप भीग गई हैं। अंदर आग के पास बैठिए, मैं आपके लिए कुछ कपड़ों का बंदोबस्त करता हूं। थैंक यू। बस यही मिला मुझे, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। जी, अब आप हमें जाने को तो नहीं कहेंगे? ऐसी रात में इस आग को छोड़कर बाहर जाने का मन नहीं करता। इट्स नो प्रॉब्लम, सामने गेस्ट रूम है, अगर आप चाहें वहां आराम कर सकती हैं। गुड नाइट।
सारे जहां का दर्द समेट कर जब कुदरत से कुछ ना बन सका तो उसने तुम्हारी ये तो आंखें बना दी। बहुत दर्द, बहुत कशिश है तुम्हारी इन आंखों में। ये धुन मैंने तुम्हारी तन्हाई की गूंज में सुनी थी। दिल के फासले एहसास से कम होते हैं। आज रात कुछ मत कहो, बस इस सुलगते हुए अकेलेपन को महसूस करो। गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। मालिनी, हेलो अजय, अगर कल तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं होती देन आई थिंक वी शुड यू नो, एक मिनट ओके, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। क्या हो गया तुम्हें? Are you mad? Give me the gun. Relax. Give me the gun. Relax. Give me the gun. Give me the gun. Shush. Relax. खाली है।
बंदूक कहां से मिली? इस तनहा खाना बदोश जिंदगी में कब कौन कहां कैसे मिल जाए, कब इसकी जरूरत पड़ जाए कौन जानता है। हर इंसान तुम्हारी तरह शरीफ, खूबसूरत और ईमानदार तो नहीं होता ना। हेलो, हेलो। शादीशुदा लोगों की जिंदगी से रोमांस गायब होने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन तुमने तो साल दो साल में ही मुझे फोन करना छोड़ दिया। आदित्य, I don't think you love me anymore. Very funny. कसम से, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। अच्छा हुआ तुमने कर दिया। यहाँ ऊटी से बड़ी मुश्किल से फोन लाइन मिलती है। हेलो, संजना। आदित्य, तुम अकेले हो वहाँ? क्या मतलब? मतलब कोई और तो नहीं है तुम्हारे साथ? हाँ है। कौन? अजय? मैं और मेरी तन्हाई। वेरी फनी। सुनो, मेरा मोबाइल बज रहा है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं करूंगा। ओके, जरूर करना। आई लव यू, बाय। शुक्रिया, इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े कमाल के मर्द हैं, मेरे साथ दिन रात बिस्तर पर सो तो सकते हैं, लेकिन ये सब दुनिया पर जाहिर हुई आपको बिल्कुल गवारा नहीं। और मैं बेवकूफ ये सोचती थी कि आप दुनिया के बाकी मर्दों से अलग हैं। कितनी गलत थी मैं। आदित्य, तुमने अपनी बीवी को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया इस वक्त तुम मेरे साथ हो? तुम मुझसे डर रहे थे ना, है ना? राइट राइट। बेजुबान जानवर की तरह मत खड़े रहो, मेरे सवाल का जवाब दो आदित्य, जवाब दो। कायर, बुज़दिल, ना मर्द। What the hell are you doing? क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं उस कुत्ते का नाम और निशान मिटा रही हूँ जिसका नाम तुम नींद में भी नहीं भूलते। मल्ली, stop this! सारी रात बिस्तर पर से तुम्हारा जिस्म मेरे साथ रहता है और आप उस कुत्ते के साथ। मल्ली, ये नाटक बंद करो। मैं उसको तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगी, तुम्हारे घर से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से। और अगर नहीं निकाल सकी तो जिंदा जला दूंगी उस कुत्ते को। I'm sorry. मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे ये सब करने पे मजबूर मत करो प्लीज। जिस शराफत से मैंने तुम्हें इस घर में आने दिया था, उसी शराफत से बाहर चली जाओ। जाने अनजाने जो कुछ हमारे बीच हुआ, मैं उसे भूलना चाहता हूं प्लीज। डू यू थिंक आई एम द काइंड ऑफ गर्ल यू कैन बेट एंड फॉरगेट?
मैं पेंसिल से लिखी हुई इबारत नहीं हूं जिसे जब चाहा लिखा और मिटा दिया। एक बात कान खोल कर सुन लो आदित्य धनराज, मैं उस कुतिया से तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छीन के रहूंगी। I'll get that bitch out of your life। बहुत हो गया। छोड़ दो मुझे आदित्य, छोड़ दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आदित्य, छोड़ दो, leave me। Get out। आदित्य, दरवाजा खोलो आदित्य, open the damn door। उस कुतिया की वजह से तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं तुम पर थूकूंगी भी नहीं। I'll never see your face again। बाहर में जाओ आदित्य धनराज, just go to hell। हेलो, प्लीज रास्ता छोड़ो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे मारो, 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 पर प्लीज, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। तुमने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? शर्म आती है मुझे, पर मैं क्या करूं आदित्य, जब भी मैं तुम्हें उस औरत के साथ सोचती हूँ तो मेरा खून खौलता है। काश कि तुमने उससे शादी नहीं की होती, काश कि तुम्हारी जिंदगी से मैं वो सारे पल उखाड़ सकती जो तुमने उसके साथ बिताए। काश कि उसने तुम्हें छुआ नहीं होता, काश कि तुम सिर्फ और सिर्फ आदित्य। संजना मेरी बीवी है, उसका हक मेरे जिस्म और मेरी रूह पे इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में रहेगा। आदित्य प्लीज मेरी बात सुनो, आदित्य, आदित्य, आदित्य प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरी बात सुनो आदित्य, आदित्य प्लीज, आदित्य मत जाओ, आदित्य, 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 I'm sorry आदित्य, मुझे छोड़ के मत जाओ आदित्य, प्लीज आदित्य, मत जाओ। मालिनी, मालिनी, आदित्य, you coward, मालिनी, you bastard, मालिनी क्या कर रही हो तुम? मालिनी stop it, तुम मुझे समझते क्या हो? उस औरत की एक एक याद मैं तुम्हारे दिल से खरोंच के निकाल दूँगी। मालिनी ये नहीं, मैं तुम्हें अपने प्यार को पीठ दिखा के नहीं भागने दूंगी। मैं किसी को भी तुम्हें अपने हाथ से छीनने नहीं दूंगी। सुन ले आदित्य, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। दिस मींस कि हमें कस्टमर को पहले से बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, हमें पूरा होटल दोबारा रेनोवेट करना पड़ेगा, लैंडस्केपिंग दोबारा करनी पड़ेगी और सारे होटल्स के इंटीरियर्स दोबारा करने पड़ेंगे। इस सब में करीब 2 करोड़ का खर्चा आएगा, तुम्हारा क्या ख्याल है आदित्य? आदित्य, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? क्या हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए? आई डोंट नो, जो तुम ठीक समझो, यू आर द बेस्ट। Ah!
उठ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां फिर से आने की? आउट। उस कुत्ती और मेरे में सिर्फ एक ही फर्क है ना आदित्य, उसके गले में ये पट्टा बंधा हुआ है। लो ये पट्टा मेरे गले में बांध दो, उसे हमारे बारे में सब कुछ बता दो, बता दो उसे कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, चली जाओ यहां से वरना मैं। मेरे पास टाइम बहुत कम है आदित्य, पुलिस को मेरी गाड़ी मिल चुकी है। मालिनी, मेरे पापा को पता चल गया तो वो यहां आ जाएंगे, मैं फिर से पागलखाने नहीं जाना चाहती। बंदूक नीचे रखो मालिनी। देखो जल्दी से उसे फोन करो, बता दो उसे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। चलो जल्दी से उसे फोन करो। मालिनी ये पागलपन बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब बंदूक नीचे रखो। पागलपन मैं नहीं तुम कर रहे हो आदित्य, तुम तो जानते हो ना कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में तुम सिर्फ मेरे रहोगे। कह दो उसे तुमने अपनी मर्जी से मुझे अपनाया है, क्योंकि जब तक उसे यकीन नहीं होगा कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तब तक वो हमारी जिंदगी से दूर नहीं जाएगी। चलो कह दो उसे, चलो फोन करो, कम ऑन फोन करो उसे। मालिनी, मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता हूं और मैं उसे अपने और तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताऊंगा, और ये गलती तुम भी मत करना, क्योंकि वो मुझे इतना चाहती है कि तुम्हारा यकीन कभी नहीं करेगी। इस घर में मेरी लाश मिली तब भी नहीं? बंदूक नीचे रखो राइट नाउ। पता तो उसे चलेगा आदित्य, मेरे जीते जी या मरने के बाद। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका पागलपन, उसका जुनून इस हद तक बढ़ जाएगा। उसे एक धमाके ने मेरी सारी सोच, सारी समझ के चिथड़े उड़ा दिए। ऐसे में रॉबर्ट ही था जिसकी वफादारी का मैं सहारा ले सकता था। उसके साथ मिलकर मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे ठीक लगा। हम दोनों ने मिलकर मालिनी की लाश को वहां उस जंगल में दफना दिया, और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। किस किस को समझाता कि सच क्या है? एक अकेली लड़की एक शादीशुदा आदमी के साथ जिन हालात में रह रही थी, उसे तो सबको ये लगता ना कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि मैंने उसका खून किया है। पुलिस को क्या बताता, पापा से क्या कहता? और तुम्हें मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। यूं समझ लो मैं मालिनी की लाश को नहीं बल्कि उस डर को दफना रहा था जो मुझे तुमसे अलग कर सकता था। संजना, मैं अपने आप को तुम्हारे बिना कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। संजना, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए आदित्य धनराज। मेरे पीठ पीछे, मेरे ही बिस्तर पे एक रंडी के साथ रंगरलियां मनाने के बाद भी तुम मुझसे प्यार का दावा करते हो? मेरे प्यार को मेरे ही बिस्तर पे इतनी बेदर्दी से रौंदने के बाद भी अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना लूं, तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं, तो ये नाटक मुझसे नहीं होगा आदित्य। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं संजना, प्लीज मुझे माफ कर दो, अपने पति को माफ कर दो संजना। घिन आती है मुझे तुम पे, इतने दिनों तक मैं तुम्हारे आगे रोती रही, बिलखती रही, और
तुम मुझे सच बताने के बजाय मुझे ठुकराते रहे। अपनी शादी को जिंदा रखने के लिए मैं अपने प्यार की भीख मांगती रही और तुम मुझे धुतकारते रहे। और आज जब तुम्हारे अतीत के साए मुझे घेरने लगे, वो चीखें मुझे सुनाई देने लगी, तो तुमने मुझे झूठा बना दिया। झूठे तो तुम हो आदित्य, और एक झूठे आदमी को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती। किया तुमने संजना, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी यही करती। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आदित्य इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। तुम उसके पास लौटकर कभी नहीं जाओगी। ऐसा करने की गलती कभी मत करना संजना, वो बुरी आत्मा यही चाहती है। सब समझ में आ रहा है मुझे, सब कुछ समझ में आ रहा है। क्यों उसने तुम्हें मुंबई से यहां पर बुलवाया? क्यों उसने हमेशा तुमसे बात करने की कोशिश की? क्यों उसने तुम्हारे पति का राज तुम्हारे ऊपर जाहिर किया? वो चाहती है कि तुम्हारे और आदित्य के बीच में नफरत पैदा हो और तुम हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाओ। लेकिन ऐसा करके उसे मिलेगा क्या? आदित्य, संजना एक पतिव्रता स्त्री है और पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए ढाल का काम करती है। उसके सुहाग पर हाथ डालने से भगवान भी डरता है, और फिर तो वो एक बुरी आत्मा है। उसने बहुत चालाकी से तुम दोनों को अलग कर दिया, और अब आदित्य, आदित्य बिल्कुल अकेला है। तो आपका मतलब है कि संजना को आदित्य के पास वापस चले जाना चाहिए? एक बीवी के नाते ना सही, तो एक इंसान के नाते तो उन्हें आदित्य के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि अब यही आदित्य की जान बचा सकती है। अब वो हमेशा के लिए आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी, और इसके लिए उसे आदित्य को उसके शरीर से मुक्त करना पड़ेगा, उसकी जान लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ तुम्हारे और अपने बीच के रिश्ते को ठीक करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आई हूँ। एक बार मैं तुम्हें तुम्हारे घर के चौखट तक सही सलामत पहुँचा दूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहती। शारदा जी, मैम साहब, साहब का सामान लेके आओ, हम लोग इसी वक्त मुंबई जा रहे हैं। जी मैम साहब, सांप कहाँ है? जी, अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, सांप कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम साहब। साहब अभी अभी तो आपके साथ गाड़ी में बैठ के चले गए। क्या बकवास कर रही हो, मैं तो अभी आई हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अंत की शुरुआत ऐसे ही होती है। उस ताकत ने अपने शिखर तक पहुंचना शुरू कर दिया है। अब वो मैली शक्ति किसी को भी नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। संजना प्लीज लुक एट मी, संजना, संजना मेरी बात सुनो प्लीज। संजना मेरी तरफ देखो प्लीज, लुक एट मी वन संजना। ओह शिट,
डॉक्टर्स अपनी कोशिश में लगे हैं, बस वो कमर और पैर में दो दो फ्रैक्चर्स हैं। वो लग कह रहे कि अगर 2 घंटे के अंदर होश आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बचेगा कि नहीं? अरे अंकल आ रहे ना मुंबई से एक्सपर्ट्स को लेके, ये लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। तो देखना वो लोग आते ही सबको संभाल लेंगे। वो बचेगा कि नहीं? अरे गाड़ी 50 फीट की हाइट से गिरी थी और वो भी एकदम सीधी। वो बचेगा कि नहीं? आदित्य को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। सांसें अभी चल रही हैं और सांसें रुकने से पहले यदि हम मालिक के शरीर को जला देते हैं तो उसको बचाया जा सकता है। एक ही तरीका उस भटकती हुई रूह को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का। अग्नि संस्कार के बाद आत्मा चाहे ना चाहे उससे मुक्त होना ही पड़ता है। हम तुरंत मालिक की लाश को ढूंढते हैं इसके पहले कि वो आदित्य को अपने साथ। वो मेरे आदित्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक बार तो वो उसे मुझसे छीन चुकी है, दोबारा मैं ऐसा उसे कभी नहीं करने दूंगी। वो जितना भी कुछ कर ले, लेकिन मैं अपने पति को मौत के मुंह से छीन के लाऊंगी। उस जगह पर अगर ये नींबू स्थिर होकर लाल हो गया, इसका मतलब है कि वो वही है। हमें वही खोजना होगा। यही वो जगह है, उसे यही कहीं होना चाहिए।
think you might have to maintain him for now. Just to take a while. Yeah, I think I know. Laceration on the right lobe. Quick! 1, 2, 3! 1!
to beat them. He doesn't require an open cardiac massage. Quick, the pulse is getting charged and ready. Stand by. Okay, Doctor, keep him charged and ready once again. Stand by. मुबारक हो मिस्टर धनराज, आपके बेटे की जान को अब कोई खतरा नहीं। संजना, मैं गलत था, बिल्कुल गलत। हमारा दोस्त बच गया, तुम्हारा आदित्य बच गया। I'm so happy. आदित्य के जिंदा रहने की सिर्फ एक वजह है, संजना। संजना ने साबित कर दिया है कि अगर एक औरत अपने सुहाग को बचाने की जिद करे तो वो ईश्वर और शैतान दोनों के इरादे बदल सकती है।